हेलो एवरीवन, वेलकम टू Z1 ट्यूटोरियल। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग NBS हमने पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड्स और हेलोजन एसिड्स टू एल्काइन्स। मतलब अब हमने HX की एडिशन करनी है, किसमें? एल्काइन्स में करनी है। इसमें करेंगे एल्काइन्स में करेंगे। तो इससे पहले हम जो लास्ट टाइम जो हमने एक एग्जांपल लिया था उसको सॉल्व कर लेते हैं कि वो आपके पास दो प्रोडक्ट्स उसमें कैसे बने थे, जो कि हम लास्ट टाइम एक एग्जांपल में हमने क्या लिया था, एक NBS के साथ आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको आपको एक क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बने और ये कैसे बने। तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपने डायरेक्टली ये देखना है कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा, जो आपके पास एलाइल फ्री रेडिकल बनेगा, वो कैसे बनेगा। तो देखिए, आपके पास एलाइलिक पोजीशंस कौन कौन सी है। यहाँ पे ये वाली आपके पास एलाइलिक पोजीशन है और ये वाली आपके पास क्या है, एलाइलिक पोजीशन है। आपको पता है इस पोजीशन पे ही आपके पास क्या आएंगे, रेडिकल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स बनेंगे। मतलब वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पे बचेगा। अगर मैं एक फ्री रेडिकल वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये लिख दिया और दूसरी फ्री रेडिकल वाली स्ट्रक्चर ये लिख दी, तो आपके पास देखिए दोनों ही सेम स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसमें तो हमें कोई इश्यू नहीं है। आपके पास ब्रोमीन कहीं भी जाए हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको पता है मैंने क्या कहा था कि अगर आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो चलिए इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब आपके पास देखिए इस स्ट्रक्चर में अगर आपके पास क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे ले ले और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा कार्बन इस तरफ ले ले, तो आपके पास डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है? यहाँ पे आपके पास क्या आ सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो आपके पास देखिए यहाँ जो ऊपर वाला कार्बन है इस पे क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो मतलब डबल बॉन्ड क्या आ गया, इनसाइड द रिंग आ गया। डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, इनसाइड द रिंग आ गया। अगर इनसाइड द रिंग आ गया तो मतलब अब आपके पास जो बाहर वाला कार्बन है वहां पे क्या आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है। तो इसीलिए आपको मैंने बताया था कि वहां पे क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब कि अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो उस मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था कि जो एलाइल रेडिकल है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पे भी आपके पास ये दोनों जो आपके पास इंटरमीडिएट हैं वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, एक इस पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा और दूसरी पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। तो होप सो आपको ये पता चल गया हो। नेक्स्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड्स और क्या, हेलोजन एसिड्स टू एल्काइन्स। किसमें करना है, एल्काइन्स में करना है। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर आप कोई एडिशन रिएक्शन करते हैं और स्पेशली किसके केस में, एल्काइन्स के केस में करते हैं, तो जो एडिशन रिएक्शन एल्काइन्स के साथ होती है वो स्लो होती है किसके कंपैरिजन में, एल्कीन्स के कंपैरिजन में। तो चलिए उसका रीजन मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चलिए उस अपना टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या ले लिया, एक एल्काइन ले ली, दैट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ, क्या सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस क्या लिख दिया, एच एक्स लिख लिया। तो जब मैं इसकी एडिशन करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, देखो एक यहाँ पे क्या बन जाएगा, एच लग जाएगा यहाँ पे और एक्स यहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्या बन गया, सी एच डबल बॉन्ड क्या, सी एक्स बन गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे एल्काइन से एल्कीन बन गया है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर से अब एच एक्स की एडिशन हो सकती है, तो आपके पास वंस अगेन क्या आ जाएगा, सी एच टू क्या, सी एक्स टू। ये जो एडिशन आपके पास चलती है ये मार्कोनिकॉप्स रूल के थ्रू चलती है। और आपके पास अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपको इस ऑर्डर को रिवर्स करना है, तो आपको ये एक्स की जगह क्या लेना पड़ता है, बी आर लेना पड़ता है, और आपको क्या लेना पड़ता है साथ में, परऑक्साइड लेना पड़ता है, और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के थ्रू इसमें एडिशन करवानी पड़ती है। तो चलिए अब इसका एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक सिमेट्रिकल एल्काइन ले रहा हूँ, दैट इज क्या, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस क्या ले लिया, एच सी एल ले लिया। आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, आगे क्या इसके साथ लग जाएगा, सी एल। और साथ में अब आपके पास अगर मैं इसी रिएक्शन को वंस अगेन फिर से करवाता हूँ एच सी एल के साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और H ऐड हो जाएगा आपके पास क्या, डबल बॉन्ड के क्रॉस। तो मतलब क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे क्या, CHCl2। क्या बन गया, CHCl2, मतलब एल्केन्स बन गए, एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्केन्स नहीं, एल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे बन गए हैं। अब आपके पास मैं अनसिमेट्रिकल एल्काइन्स लेता हूँ,
यहाँ पे तो आपको थोड़ा मुझे पता नहीं चल रहा होगा पिछले एग्जांपल में कि मार्कोनी कॉर्प्स एडिशन हुई या नहीं, बट यहाँ पे देखते हैं अब आपके पास किसमें, एल्काइन्स में। तो एल्काइन्स में बेटर तरीके से आपको क्लियर होगा। तो हमने एक एल्काइन ले लिया, कौन सा, अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले लिया, और यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले रहा हूँ, दैट इज प्रोपाइन ले रहा हूँ। साथ में क्या ले लिया मैंने एरो पे, HBr ले लिया। आपके पास जो प्रोडक्ट यहाँ बन गया क्या बन गया, CH3 CBr, साथ में क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैं फिर से HBr लेता हूं तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, CH3 CBr2 और साथ में क्या, CH3। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप में जब मैंने HBr यहाँ पे लिया है तो आपके पास जो Br है वो कहाँ जा रहा है, इसके पास मिनिमम नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है, इसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रूल लगा वो कौन सा लगा, मार्कोनिक ऑफ रूल लगा। तो नेक्स्ट करते हैं, अब क्या करेंगे हम, एडिशन ऑफ हेलोजेंस करेंगे। हेलोजेंस मतलब X2, दैट इज डाइहेलोजेंस करेंगे किसमें, एल्काइन्स में करेंगे, किसमें करेंगे, एल्काइन्स में। ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, हमने क्या ले लिया, जैसे एक जनरल रिएक्शन ले ली इसमें, C ट्रिपल बॉन्ड C ले लिया, और किसके प्रेजेंस में ले लिया, X2 के प्रेजेंस में ले लिया। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन गया यहाँ पे, CX डबल बॉन्ड क्या, CX। मतलब हमने आपको पहले बोला था कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो एल्काइल हैलाइड्स पढ़े हैं उसमें आपको मोनो हेलो एल्केन्स बताया था, डाई हेलो एल्केन्स भी बताया था। तो आपके पास ये क्या बन गया, डाई हेलो एल्केन्स बन गए। अब आपके पास यहाँ पे मतलब दो हेलोजन लग गए हैं इसमें। अगर मैं फिर से X2 की एडिशन करता हूँ इसमें तो आपके पास क्या हो जाएगा, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा आपके पास, CX2 और यहाँ पे क्या, CX2। आपके पास क्या बन गया, टेट्रा हेलो हेलो डेरिवेटिव। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल मैं अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले रहा हूँ, वंस अगेन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज प्रोपाइन, और किसके प्रेजेंस में ले रहा हूँ, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ले रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH, और जो सेकंड मिडल वाला कार्बन है उसमें क्या रह जाएगा, ब्रोमीन, और आपके पास जो लास्ट आपके पास जो कार्बन है उसमें भी क्या रह जाएगा, ब्रोमीन। तो आपके पास क्या बन गया, CH3 CBr डबल बॉन्ड क्या, CHBr। मतलब डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके अक्रॉस क्या हुई, एडिशन रिएक्शन हुई, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुई, अमोनिया के प्रेजेंस में, दैट इज लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। अब आपके पास अगर देखिए आपको एक्स्ट्रा कोई रिएजेंट लेना पड़ रहा है, इससे आपको क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि आपके पास ये रिएक्शन थोड़ा इजी नहीं है करवाने के लिए, एज कंपेयर टू क्या, एल्कीन्स, जिसके कंपैरिजन में, एल्कीन्स के कंपैरिजन। अब आपके पास वंस अगेन हमने लिक्विड अमोनिया लिया, अब आपके पास जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव, दैट इज CH3 C, और यहाँ पे Br Br, और साथ में क्या आ गया, CH, दोनों जगह Br। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, मुझे लगता नहीं इसमें आपको कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, ये आपको शायद पता ही है क्योंकि मैंने मार्कोनी कॉर्प्स एडिशन आपसे पहले भी डिस्कस करी है। तो होप सो आपको पता ही होगा जो आपको मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो लास्ट रिएक्शन अभी हमने पढ़ी किसके साथ, हेलोजेनेसिस के साथ। मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी जो हेलोजेंस हमने ऐड किए किसके, एल्काइन्स के अक्रॉस। तो नेक्स्ट अब बात कर रहा हूँ किसकी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। मतलब अब मैंने क्या बनाना है, एराइल हैलाइड्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, एराइल हैलाइड्स। बहुत सिंपल है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले न्यूक्लियर हेलोजिनेशन करनी है। क्या करनी है, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। मैंने आपको ये पहले भी इंट्रोडक्शन जो आपके पास वीडियो है उसमें ये बताया है कि अगर आपके पास कोई बेंजीन है तो बेंजीन पे अवेलेबल क्या होती है, हाइड्रोजन्स होते हैं। अगर मैं उन हाइड्रोजन्स को निकाल देता हूँ तो वहां पे कोई और प्रोडक्ट लगा देता हूँ तो उसको बोलता हूँ मैं क्या, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन। और अगर मैं उस सब्स्टिट्यूशन में अगर हेलोजन लगा देता हूँ तो उसको क्या बोलूंगा मैं, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, क्या बोलूंगा उसको मैं, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। तो अभी हम जो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन करेंगे वो डार्क कंडीशंस में करेंगे, डार्क जो आपके पास अंधेरा होगा उस कंडीशन में करेंगे, और एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ही करते हैं। मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए इसके लिए, 300 के अप्रोक्स टेम्परेचर, 310 या उसके अप्रोक्स टेम्परेचर जो है वो चलता है इसके लिए। तो चलिए इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कैसे। हम क्या कर लेते हैं, जो आयरन की फिलिंग्स हैं, क्या ले लेते हैं, आयरन की फिलिंग्स ले लेते हैं, और उसके ऊपर से क्या पास करते हैं, गैस पास करते हैं, कौन सी, जो हेलोजन की हमारे पास गैस है। तो अगर मैं देखिए इसको लिख रहा हूँ 2 मोल्स ऑफ आयरन, साथ में क्या लिख रहा हूँ, 3 मोल्स ऑफ हेलोजन। आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या बन जा रहा है, 2 मोल्स ऑफ FeX3, क्या बन जा रहा है, 2 मोल्स ऑफ FeX3। या आपके पास क्या बन गया, लुईस एसिड, क्या बन गया, लुईस एसिड। अगर ये लुईस एसिड बन गया है तो आपके पास ये लुईस एसिड हेल्प करता है क्या, एडिशन सॉरी सब्स्टिट्यूशन किसमें, जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट है आपके पास, देखिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक बेंजीन ले लिया प्लस X2 ले लिया,
प्लस क्या ले लिया, एक्स टू ले लिया, और आपके पास ये जो रिएक्शन करवाई हमने किसके प्रेजेंस में करवाई, एफ ई एक्स थ्री के प्रेजेंस में करवाई, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया, हेलोबेंजीन बन गया, प्लस क्या बन गया, एच एक्स बन गया, और एक्स में आपके पास क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो एक बात याद रखनी है आपने कि यहाँ पे आपने हमेशा ये याद रखना है कि हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी एक क्लोरीन और ब्रोमीन की आपके पास के थ्रू क्या करवा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के थ्रू क्या करवा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं। मैं अभी फ्लोरीन की बात नहीं कर रहा, मैं आयोडीन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अगर मैंने क्या ले लिया, बेंजीन ले ली और साथ में क्या ले लिया, सीएल टू ले लिया, तो अब आपको पता है यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा, FeCl3 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, FeCl3, that is anhydrous FeCl3। जरूरी नहीं है आप FeCl3 से रिएक्शन करवाइए, आप FeCl3 की जगह कोई और लुईस एसिड भी ले सकते हैं, जैसे कि AlCl3, और इस रिएक्शन को करवाऊंगा मैं किस टेम्परेचर पे, 310 टू 320 केल्विन पे, कितने में पे, 320 केल्विन, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर के क्लोज अगर इस रिएक्शन को करवाते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट इजिली बन जाता है। आपके पास अगर मैं इसी रिएक्शन को करवाता हूं तो आपके पास क्या बन जाता है, देखिए क्लोरो बेंजीन बन गई, प्लस क्या बन गया, HCl बन गया। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, इसकी इंडिकेशन देख लेते हैं। अगर मैं इस इंडिकेशन की बात करता हूं तो यहां पे मैंने बेंजीन लिख दी और साथ में यहां पे देखिए क्लोरीन लिख दिया, तो यहां से क्या निकल गया आपके पास, यहां पे निकल गई क्लोरोबेंजीन, प्लस क्या बन गया, देखो यहां पे, यहां से निकल गया HCl। तो ये सिंपल सी आपके पास क्या है, इसकी इंडिकेशन है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे जो क्लोरीन है उसकी रिएक्शन करवाता हूँ पहले किससे, FeCl3 से। आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे FeCl3 क्या है, लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड है तो उसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किससे ले सकता है, क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन के पहले पास क्या, पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसलिए यहाँ पे वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो मतलब कि अब आपके पास क्या है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए, सॉरी FeCl3 ने इलेक्ट्रॉन लिए किससे, क्लोरीन से। अगर क्लोरीन से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो आपके पास देखिए क्या बन गया है, FeCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये क्यों बना, क्योंकि अब आपके पास जब Cl ने से इसने आयरन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्लोरीन जो है चार्ज बियर नहीं करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा और आपके पास जो Cl बचेगा उसके पास क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए क्या बन गया आपके पास, FeCl4 नेगेटिव प्लस क्या, Cl पॉजिटिव, दैट इज क्या, क्लोरोनियम आयन। अगर आपके पास हैलोजन है, हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है किसी के ऊपर, तो उसके आगे क्या लग जाता है, आई यू एम, दैट इज क्या, क्लोरोनियम आयन। जैसे कि अब आपके पास क्लोरीन है तो उसके आगे क्या लग गया, क्लोरोनियम आयन, क्लोरीन नहीं बनाता है ये, इसीलिए आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या बन रहा है, क्लोरोनियम आयन। अब आपके पास यहाँ पे जो बेंजीन है वो किसके अट्रैक्ट कर सकती है, क्लोरीन पॉजिटिव जो आपके पास है क्लोरोनियम आयन है, क्योंकि आपको बोला है मैंने क्या, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इसको और अगर बेटर तरीके से आप लिखना चाहते हैं तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो क्योंकि आपके पास एरोमेटिक रिंग के ऊपर हो रही है और इलेक्ट्रोफाइल इसको सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, तो इसका मतलब आपके पास क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, विच इज विच ऑलवेज वॉन्ट इलेक्ट्रॉन, जो जिसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन चाहता है हमेशा। तो अब आपके पास यहाँ पे कैटायनिक जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कैटायन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो भाई ये किससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बेंजीन से, कैसे, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए Once again, एरिनियम आयन बनेगा, और एरीन के ऊपर जो एरीन मतलब बेंजीन जो है आपके पास थी उसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। और आपको पता है कि हर एक बेंजीन के जो कार्बन होते हैं उसकी पोजीशन पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन्स होते हैं, कार्बन के साथ क्या होते हैं, हर एक कार्बन जो बेंजीन पे होता है उसके साथ क्या अटैच होती है, हाइड्रोजन्स होते हैं। तो आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने ऐसा शो कर दिया, आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। अब आपके पास जो आपके पास इंटरमीडिएट बना है, ये एक्चुअल में ये आपके पास स्लो स्टेप के थ्रू बना है, इसके थ्रू बनाए स्लो स्टेप, यहाँ पे जो मैं एरो है इसके ऊपर क्या लिख देता हूँ, स्लो स्टेप, मतलब मैक्सिमम टाइम इसी रिएक्शन इसी स्टेप को करने के लिए चाहिए होता है हमारे पास, या सबसे ज्यादा टाइम जो रिएक्शन कवर करती है, कंज्यूम करती है, वो किसके लिए करती है, इस स्टेप को करवाने के लिए करती है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, स्लो स्टेप कहा। तो अब आपके पास ये जो आपके पास इंटरमीडिएट बना है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं कैसे, देखिए ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले ले तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और आपके पास पॉजिटिव चार्ज कहाँ बच जाएगा, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच गया तो मतलब डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, देखो वहां पे आ गया। अब आपके पास एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है जिसमें क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ ले ले तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, देखिए ऑर्थो पोजीशंस की तरफ मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज,
और आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब आपके पास अगर ये आपके पास एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है तो इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं, जिसमें आपके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा पूरी बेंजीन पे सर्कुलेट कर रहा होगा। तो ये देखिए इसकी मैंने क्या कर दी है डॉटेड लाइन से आपको आपके पास क्या शो कर दिया है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया जो कि बेंजीन पे घूम रहा है। अब आपके पास क्या होगा एब्स्ट्रेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एच पॉजिटिव की एब्स्ट्रेक्शन होगी, दैट इज प्रोटोन की एब्स्ट्रेक्शन होगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया प्रोटोन को एब्स्ट्रेक्ट करना है, कैसे, क्योंकि अब आपके पास रेजोनेंस को अब क्या करना है इसको एरोमेटिसिटी को कवर करना है, क्या करना है इसको एरोमेटिसिटी को मेंटेन करना है, रिकवर करना है, क्योंकि अब आपके पास एरोमेटिसिटी क्या देती है स्टेबिलिटी देती है सिस्टम को। तो यहाँ पे अगर ये क्या कर दे, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे दे दे हाइड्रोजन और एच पॉजिटिव जो है बाहर निकल जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन कंप्लीट होगी, साथ में क्या निकल गया एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव किस क्या रिएक्शन कर सकता है FeCl4 नेगेटिव के साथ, और यहाँ से क्या निकाल सकता है जो Cl नेगेटिव है वो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पे देखो HCl प्लस क्या FeCl3, क्या बन गया FeCl3। अब अगर मैं बात करूं फ्लोरिनेशन की तो फ्लोरिनेशन मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा अभी आपके साथ, क्योंकि आपके पास जो फ्लोरिनेशन जब इसके साथ करवाते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड मैनर में होती है, बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है फ्लोरिन के साथ और इट इज नॉट कंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते इजिली। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसकी अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे ब्रोमीन की। तो अब आपके पास जो ब्रोमीन है ना वो आपके पास क्या कर सकता है, वो भी आपके पास सेम इसी तरीके से रिएक्शन कर सकता है। और आपके पास अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बना है जो क्लोरोबेंजीन बनी है ये आपके पास क्या कर सकता है आगे फर्दर सेम रिएक्शन कंटिन्यू करवा सकता है, क्योंकि आपको पता है जो क्लोरीन है उस प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है, क्या शो करता है प्लस आर इफेक्ट। तो अगर ये देखिए अगर मैं यहाँ पे एक प्लस आर इफेक्ट शो करवा दूं, यहां से क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इस तरफ तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो बेंजीन में यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, अभी नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ घूम सकता है, ये आगे आ सकता है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। तो इसका मतलब इसकी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और बन रही है जिसमें नेगेटिव चार्ज एक पैरा पोजीशन पे आ रहा है और क्या आ रहा है एक आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फिर से अटैक करके कौन सी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जा सकता है। तो ये रिएक्शन जो होती है वो आगे फर्दर मूव कर जाती है और आपके पास यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इतना सा भी याद रखें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम नेक्स्ट करते हैं क्या, आयोडिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आयोडिनेशन। तो जो आयोडिनेशन अगर मैं बात करता हूँ तो सेम रिएक्शन लिख रहा हूँ, अगर मैं सेम रिएक्शन करता हूँ तो आयोडीन के साथ ये इजिली हो जाती है, इसमें आपको कोई मतलब कैटलिस्ट नहीं चाहिए। तो अगर मैं आयोडीन के साथ इस रिएक्शन को डिस्कस करता हूँ तो आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ पे आयोडोबेंजीन प्लस क्या एच आई। पर मैंने आपको जो एरोज लिखे हैं वो हाफ एरोज लिखे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास। तो अभी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास जो एच आई है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बोलेंगे मतलब ये फिर से आपके पास क्या आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है आयोडीन प्लस बेंजीन। तो मेरे को इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है और इसको मूव करने के लिए मेरे को कंज्यूम करना पड़ेगा कुछ, तो मैं एचआई को कंजप्शन करना शुरू कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एचआई की कंजप्शन। आपने लीचटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं एचआई की यहां से रिमूवल करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसको करने के लिए हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट तो इजिली रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेते हैं, आयोडिक एसिड ले लेते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं या मर्क्यूरिक ऑक्साइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो आपके पास अगर मैं आयोडिक एसिड से मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ, देखिए 5 मोल ऑफ एच आई ले लिया और मैंने किससे रिएक्ट करवा दिया, एच आई ओ 3 से करवा दिया, आयोडिक एसिड से करवा दिया। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, वॉटर प्लस क्या आयोडीन प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे आयोडीन। तो देखिए यहाँ पे जब ये रिएक्शन हुई वंस अगेन आयोडीन प्रोड्यूस हो गया और ये आयोडीन फिर से यूटिलाइज हो सकता है किसको, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए। तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूरत पड़ती है उसको करवाने के लिए, इस रिएक्शन को मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो होप सो आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट करते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन, क्या करेंगे साइड चेन हैलोजिनेशन। तो साइड चेन हैलोजिनेशन बहुत सिंपल है, वंस अगेन मतलब ये आपने पहले भी पढ़ा है, किसमें, इसमें पढ़ा है आपने एल्केन्स में, प्लस वन में एल्केन्स में आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास क्या करते हैं एल्केन की हैलोजिनेशन करते हैं तो आपके पास क्या होता है वहां पे HCl निकलना शुरू होता है और Cl वहां पे एड मतलब आपके पास हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर देता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा कि अब आपके पास मैं क्या करता हूँ,
वंस अगेन क्या ले लेता हूं, बेंजीन के ऊपर क्या ले लेता हूं, CH3 ले लेता हूं, टॉलिन ले लेता हूं। अब इसकी रिएक्शन मैं Cl2 के साथ करवाता हूं और ये रिएक्शन करवाता हूं सनलाइट की प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में करवाता हूं, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो आपके पास ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी होती है, कौन से मैकेनिज्म से होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से होती है। और आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो किस टेम्परेचर में बनता है, 383 केल्विन पे बनता है। आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है क्या, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बन जाता है यहाँ पे, बेंजाइल क्लोराइड। आपके पास बेंजाइल क्लोराइड बन गया प्लस साथ में क्या बन जाएगा यहाँ पे, HCl प्लस क्या बन जाएगा साथ में, HCl। अगर मैं अब यहाँ पे जो क्लोरीन है उसको एक्सेस में ले लेता हूँ तो यहाँ पे ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, ये तब तक चलती रहती है जब तक आपके पास ये सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव नहीं हो जाते। तो बोलने का मतलब अब फिर से CH2 जो बेंजाइल क्लोराइड है ये आपके पास किसके हाथ रिएक्ट कर सकता है, क्लोरीन के हाथ रिएक्ट करके अब आपके पास क्या बन सकता है, बेंजल क्लोराइड, उसके बाद बेंजो क्लोराइड। तो मतलब इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट करते हैं, अब आपके पास अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपके पास क्या हो, जो बेंजीन है उसके ऊपर लॉन्ग चेन्स है, तो उस टाइम आपके पास सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी। तो आपने याद रखना है कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1-फिनाइल प्रोपेन ले लिया। क्या ले लिया मैंने, 1-फिनाइल प्रोपेन ले लिया, प्लस क्या ले लूंगा साथ में, क्लोरीन ले लूंगा और साथ में लाइट के बेस में इस रिएक्शन को कराऊंगा। किस टेम्परेचर पे, 273 केल्विन पे। आपके पास जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया, देखो देखिए इस पोजीशन पे क्या आ गया यहाँ पे, क्लोरीन। अगर इस पोजीशन पे आया तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इस पोजीशन पे आया, अदर पे क्यों नहीं आया। तो आपको मैंने ये पहले बताया है कि आपके पास जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है वो फास्टर होती है, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो फास्टर होती है। मतलब आपके पास जो बेंजाइल फ्री रेडिकल जिस भी पोजीशन पे बनेगा वो आपके पास जल्दी वहां पे क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करवाने में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसका फ्री रेडिकल बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो ये आपके पास जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की तरह बन रहा है, अगर बेंजाइलिक फ्री रेडिकल की तरह बन रहा है तो इसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट अगर इस तरीके से बनेगा तो ये रिएक्शन जल्दी करवाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस पोजिशन पे आपके पास जल्दी आपके पास क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है। अब आपके पास अगर मैं फिर से क्लोरीन लेता हूं तो आपके पास वंस अगेन सेम ही होने वाला है कि आपके पास क्या कि एक और हाइड्रोजन यहां से इसका रिमूव हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट करते हैं, साइड चेन हैलोजिनेशन और किस तरीके से की जा सकती है। तो साइड चेन हैलोजिनेशन जो है हम और तरीकों से करते हैं, बाय यूजिंग क्या, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या ले लेता हूं मैं, अगर सल्फ्यूराइल क्लोराइड, अगर मैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड लेता हूं तब भी आप क्या कर सकते हैं, साइड चेन हैलोजिनेशन कर सकते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, टॉलिन ले लिया, प्लस क्या ले लिया, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में लिया, 475 केल्विन पे, परोक्साइड के प्रेजेंस में ले लिया। किसके प्रेजेंस में, परोक्साइड के प्रेजेंस में ले लिया। आपके पास वंस अगेन जो प्रोडक्ट बना क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। तो ये बहुत इजी रिएक्शन है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर आपको इसको इंडिकेशन देखनी है तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये आपका टॉलिन लिख दिया, थोड़ा खोल के लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ से क्या निकल गया आपके पास, यहाँ से आपके पास निकल गया HCl, यहाँ से निकल गया आपके पास बेंजाइल क्लोराइड और यहाँ से क्या निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप इसको रिएक्शन को याद रख सकते हैं। अगर आपको इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बाद में फिर से क्लियर करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया हो। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे इसको कुछ और तरीके से बनाने की। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे सैंडमेयर रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो होप सो आप जो सैंडमेयर और गटरमैन रिएक्शन है उनको अच्छे से क्लियर करेंगे इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।